रोज आपके लिए लेकर आ रहे हैं ब्रोकरेज के पसंदीदा शेयर, और इसी सिलसिले में आज मेरे साथ है एक्सिस सिक्योरिटीज के एमडी और सीईओ अरुण ठुकराल। मिस्टर ठुकराल, स्वागत है आपका, दिवाली की शुभकामनाएं। बताइए कौन से स्टॉक है आपके हिट लिस्ट में अभी? दिवाली की शुभकामनाएं प्रियंका, और हमने कुछ 12 स्टॉक्स दिए हैं, बट मैं 2 या 3 स्टॉक्स के बारे में बात करना चाहूँगा। तो सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं रिलायंस की, हालांकि रिलायंस अभी काफ़ी बढ़ चुका है, बट जो हम बात कर रहे हैं 3 चीज़ें जो हैं जो रिलायंस में हम देख रहे हैं। पहला उनका रिटेल बिजनेस, तो उनका रिटेल बिजनेस जो है वो अभी $10 बिलियन के मार्क पर आ गया है, और ये 45% का CAGR 5 साल से पिछले चल रहा है। और अगर आप देखें इंडिया एज ए कंट्री, जो ऑर्गेनाइज रिटेल है अभी सिर्फ 9% है, तो अगर ये भी बढ़ेगा और पर कैपिटा इनकम लोगों का बढ़ेगा, तो ये एक रिटेल का, और जो टोटल कंसोलिडेटेड सेल्स में रिलायंस का जो रिटेल है वो 15% है, और उसको वो कह रहे हैं कि डबल करेंगे 2021 तक, तो ये एक बड़ा ट्रिगर रहेगा। दूसरा जो उनका जो मेन अभी बात चल रहा है आजकल जियो का, उसमें वो बहुत तेजी से सब्सक्राइबर ऐड कर रहे हैं, तो अभी लेटेस्ट जो क्वार्टर में उन्होंने 37 मिलियन सब्सक्राइबर ऐड किए हैं, और अब अराउंड टोटल 250 मिलियन मतलब 25 करोड़ उनके सब्सक्राइबर हो गए हैं। और ये जो अभी लेटेस्ट उन्होंने डेन नेटवर्क्स और हथवे में जो स्टेक लिए हैं, उससे उनको लास्ट माइल कनेक्टिविटी मिलेगा, और उसकी वजह से, और गीगा फाइबर जो उनका है, ये 2 चीज़ों की वजह से ये बिजनेस बहुत अच्छा करेगा। और फाइनली जो उनका पुराना बिजनेस, जो मेन बिजनेस था रिफाइनिंग का, उसमें भी जो पेटको का जो गैसिफिकेशन का उनका जो बड़ा प्लांट है, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट है, वो भी अभी कमीशन हो रहा है, तो उसकी वजह से भी अभी उनका जो GRM है वो बढ़ेंगे। तो ये 3 वजहें हैं जिसकी वजह से लग रहा है कि रिलायंस बहुत अच्छा करेगा। तो ये एक स्टॉक हो गया। दूसरा कैन आई गो अहेड? यस सर, यू कैन गो एट, क्योंकि आपने एक छोटा सा एक यहाँ पे ले लिया है ब्रेक, तो मैं, क्योंकि रिलायंस का जिक्र हो रहा है, एक डिस्क्लेमर दे देते हैं कि आप ये जो चैनल देख रहे हैं ये TV18 ब्रॉडकास्ट का हिस्सा है, और TV18 ब्रॉडकास्ट का जो मैनेजमेंट है वो रिलायंस के हाथों में। अरुण जी, आप बिल्कुल बताइए अगला पिक आपका कौन सा है दिवाली के लिए शुभ निवेश का पिक? दूसरा पिक है बजाज फाइनेंस। हालांकि आजकल बहुत उथल पुथल है NBFC में, और लेकिन ऐसे टाइम पर ही पता चलता है कि NBFC में भी NBFCs हैं, तो वो देखना है। तो उसमें बजाज फाइनेंस जो आती है वो एक बहुत अच्छा डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट मिक्स है, वेदर कंज्यूमर फाइनेंस हो, लैप हो, या बाकी बिजनेसेस हो। और उनका भी अगर हम पिछले 10 साल का हम ग्रोथ देख रहे थे, तो उन्होंने कुछ 42% से उनका AUM बढ़ा है, और उनका पैट अराउंड अगेन 42% से बढ़ा है, और NII अराउंड 39% से बढ़ा है। तो अगर ये 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है और हम जो देख रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा है। और जो दूसरा जो बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है लोगों का, बाकी NBFCs का, वो है ALM, और इनका जो ALM है बहुत अच्छा है, जो लेस देन 1 ईयर का मेच्योरिटी है वो बहुत अच्छा पॉजिटिव है इनका। और फाइनली जो इनका एसेट क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छा है, तो इनके जो 2008 में अराउंड 6-7% का NPA था, वो अभी घटकर 1% से भी कम हो गया है। तो ये अगर क्वालिटी की बात की जाए, तो बजाज फाइनेंस अभी जो गिर गया है पिछले दिनों, वो एक अच्छा फायदा उठाया जा सकता है, और बजाज फाइनेंस को आप पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। और फाइनली जो थर्ड कंपनी मैं बात करना चाह रहा हूँ वो है अशोक लीलैंड। अशोक लीलैंड जो है वो CV साइकिल जो टर्न अराउंड हुआ है उसका फायदा उठाएगी, और अगले कुछ सालों तक भी लगता है CV साइकिल अच्छा चलेगा। और जो अभी लार्ज व्हीकल्स का डिमांड है और व्हीकल मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, और जो फाइनली जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए आपको छोटा LCV चाहिए होता है, तो ये दोनों ही प्रोडक्ट इनके पास बहुत अच्छे हैं, और इसके ऊपर, और अभी जो BS6 कमीशन होगा उसकी वजह से भी काफी, तो ये सब फायदे की वजह से ये अच्छा करेगा।